उत्तर भारत की सबसे बड़ी श्री सीमेंट कही जाने वाली फैक्ट्री के अंदर आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 51 ही नहीं, लगभग इनके 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनकम टैक्स की जो चोरी हो रही थी उसको लेकर ये छापा मारा गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब सरकारी विभाग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते। लेकिन लगभग 8 गाड़ियों के अंदर लगभग 12 से 15 अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। श्री सीमेंट के अधिकारियों से जब अंदर जाने की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया और हमें प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रोवाइडेड कर दिया गया कि मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर में कहीं न कहीं श्री सीमेंट की जो कारगुजारी है इस क्षेत्र के लिए या पूरे राजस्थान के लिए या भारत के लिए, आखिर में कहीं न कहीं जो राजस्व चोरी है उसको करने की जानकारी मिली है, उसको लेकर इनकम टैक्स ने पहला छापा वित्तीय वर्ष का यहाँ पर मारा है। लगभग 200 अधिकारी यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बात को लेकर यहाँ पर कितना कार्रवाई हो पाती है या नहीं पाती है। लेकिन जिस तरह से मैं बताना भी चाहूँगा, श्री सीमेंट का ये पूरा दृश्य है और श्री सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से काम कार्यरत है और जिस तरह से इनकम टैक्स की जो बात आई है इस बार, उसको लेकर देखने वाली बात होगी आखिर में कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं चोरी की जा रही है इनकम टैक्स की, उसको लेकर यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर में अधिकारी इसको लेकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णुदत्त धीमा, ब्यावर।